Good morning everyone. Continuing with our next point. Next is check on extra visions. इसका मतलब है कि जो भी फालतू के खर्चे हैं उनको कटेल किया जाए उनको कम किया जाए जैसे एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हैं फॉरेन ट्रिप्स पर एंटरटेनमेंट्स पर मीटिंग्स पर सिम्पोजियम्स पर

जो पी एस सी यूज किए हैं जो नंबर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है साइन किया एमओ यूज वो फोर से जो नंबर जो उनका था वो फोर था इन 2018 19 में और जो ज्यादा से ज्यादा एमयूएस को साइन करने के लिए फ्रीडम दी जाए पब्लिक एंटरप्राइजेस को उनकी वॉकिंग्स में देन नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉपिक दैट इज पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और पब्लिक सेक्टर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन से लिए गए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में विद रिगार्ड टू पब्लिक एंटरप्राइजेस जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसको हम कह रहे हैं दैट इज 1991 में जो आपके एलपीजी के रिफॉर्म्स लिए गए दैट इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी 1956 में जो आई थी उसमें सेवनटीन इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया था पब्लिक सेक्टर के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो जो गवर्नमेंट है उ, उ, उसने उन इंडस्ट्रीज को डी रिजर्व किया फेस्ड मैनर में और एट प्रेजेंट सिर्फ दो इंडस्ट्रीज हैं जो रिजर्व है पब्लिक सेक्टर के लिए उसमें भी जो, जो दो इंडस्ट्रीज हैं वो है एटोमिक एनर्जी एंड रेलवेज और उस इसमें भी जो रेलवेज है उसके कुछ पार्ट्स को ओपन कर दिया गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है उसे ओपन किया गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए देन जो शेयर है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का वो डिस इन्वेस्टमेंट किया जाए उसका तो जो प्राइवेट सेक्टर है एंटरप्राइजेस है उनको उसे सोल्ड कर दिया जाए देन नेक्स्ट इज योर पब्लिक जो सेक्टर एंटरप्राइजेस जो सिक है उन्हें सेम पॉलिसी के अंडर लाया जाए जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए अप्लाई होती हैं जो सिक यूनिट्स उन्हें क्लोज किया जाए जिन्हें आप रिवाइव नहीं कर सकते और एफर्ट की जाए कि जो भी हार्डशिप्स कॉज हो रही हैं एम्प्लॉयज को ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर ऑफ सिक यूनिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर उसे रिमूव किया जाए और इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने नेशनल रिन्यूअल फंड को सेटअप किया है। देन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं, वो उन्हें ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए थ्रू दी मीडियम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जनरेट रिसोर्सिस करने के लिए इम्प्रूव करने के लिए ट्रांसपेरेंसी को एफिशिएंसी को कॉपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो शेयर्स हैं पीएसयू के उन्हें लिस्ट किया जाएगा लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंजेस में देन नवरत्न्स इन जुलाई 1997 जो गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर किए हैं 11 मेजर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एज नवरत्न्स प्रेजेंटली आठ महारत्न है और 16 आपके नवरत्न पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं तो जो ये नवरत्न और महारत्न ये जो डिसाइड होते हैं ये डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं

शॉर्ट अगर हम कहें तो गवर्नमेंट जो है वो कांस्टेंट इंडिवर कर रही है कांस्टेंट कोशिश कर रही है गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि रीऑर्गेनाइज किया जाए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव किया जा सके प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज किया जा सके और प्रॉफिटेबिलिटी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की इंप्रूव हुई भी है इन द ईयर नाइनटीन जो पब्लिक सेक्टर ने अर्न किया प्रॉफिट वो था सेवन करोड़ रुपए और जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ वन टू एट थ्री सेवन फोर करोड़ रुपीज इन टू थाउजेंड कि बेटर वर्किंग और हो रही है और इंक्रीज हो रही है एफिशिएंसी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की है तो दिस इज हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग दी इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तो ये था हमारा चैप्टर पब्लिक सेक्टर इन इंडिया का नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच